मेरे घर पे आइसक्रीम्स आने लगी अभी। ओहो, अच्छा, जो पहले नहीं आती थी क्योंकि सर पहले शायद जब से जोमैटो स्विगी वगैरह आए हैं तब से आइसक्रीम खानी हो तो मंगा सकते थे आइसक्रीम, अब वो नहीं है सुविधा। तो मेरे घर पे सडनली बहुत सालों बाद हम मिले हैं हमारे पुराने दोस्त कॉर्नेटो से। कॉर्नेटो याद है आपको? कॉर्नेटो याद है जो अगर पिघला हुआ भी होगा थोड़ा, कॉर्नेटो वो दोस्त है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा देके जाता है हर कॉर्नेटो, नो मैटर हाउ फक ऑल। अगर आप पिस्ता फ्लेवर भी खा रहे हो ना, एंड में एक खूबसूरत चॉकलेट का हग्गा देके जाता है, विच आई रियली लाइक। कॉर्नेटो तब एक चॉकलेट की खुशी देके जाता है। बर्बाद कर दिया आपने, आपने उसे खराब कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, चार लोग मिनिमम के लिए। जी मेरा ऐसा मानना है कॉर्नेटो के बारे में कि एक वो उस वो वॉफल वाला जो कॉन्सेप्ट जो चला अभी उसका डैडी है। और हाँ, और उन्होंने उसको पैकेज उसको ऐसे किया कि आप खरीदो खोलो और खाओ, ठीक है, कोई वेट नहीं करना। ये सब नीचे जो आजकल की जो बकचोदियां हो रही है ना कि मैंगो लेंगे कि बनाना कि अनानास, कुछ नहीं उन्होंने हमने डाल रखा सब, यही है हमने डाल रखा है और एंड में हगा भी है। एंड में हमने तुम्हारे लिए मतलब कोई भी हगा कुछ भी फ्लेवर खाओ एंड में तो चॉकलेट निकलेगी। उनको भी अपना यूएसपी मालूम है कि ऊपर तो टाइम पास हो रहा है, बर्फ बर्फ है, ठंड में खा जाएंगे ये जो भी। चॉकलेट था एंड में सबको मांगता है एक ही चीज, चॉकलेट। आई लव दैट आर गो टू कॉमेडी वॉइस इज आइदर बाय योर टपोरी। बाय द वे ऊपर भी चॉकलेट रहता है। हाँ, और भी एक लेयर रहता है, ठीक है, और बीच में भी कभी कभी टुकड़े रहते हैं उसके कभी, और एंड एंड वाला वही होता है कि देखो प्रोडक्शन में कंप्लेन मत करना तुम कभी। प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच होगी, ये ये वादा है। इट्स बेसिकली सेइंग दैट तेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तो ये तीन कॉर्नेटो खा रहा है रात के 2 बजे, वो प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। माय सॉल्यूशन इज योर ये ले तीन चॉकलेट। एक्चुअली अगर आप टेक अ सेकंड टू रिमेम्बर दिस फैक्ट, अभी मेरे को पता नहीं पब्लिक के लिए कितना रिलेटेबल है, कॉर्नेटो का बाप किसी को याद है? किंग कोन। इट्स द फर्स्ट आइसक्रीम व्हिच हैड चॉकलेट का हग्गा एंड आई लाइक आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, तो तब की बात। सॉरी वी डोंट एक्सेप्ट दीस थिंग्स। ये मुझे लगता है ये आशीष भाई ये गाजियाबाद की किसी फैक्ट्री में आपके लिए बना था खाली। तूने गाजियाबाद का स्टेटस बढ़ा दिया। आई थिंक गाजियाबाद से कभी इतनी खुशी नहीं निकली है। आई थिंक द करेक्ट फिर गाजियाबाद की फैक्ट्री में क्या बनता है? ऑपोजिट ऑफ आइसक्रीम च्यवनप्राश बनता है वहां पे। I'm just imagining Ashish going around in a jeep in Ghaziabad saying Ghaziabad ka king kon. Ya mere dore wait ja sare ke sare. Is season mein agar ice cream ki baat chhedi hai to before there was anything else there was the basic mango dolly. Mango dolly for life. Outside I see this thing made of radioactive food coloring. Inside vanilla ice cream. Beech mein stick. Very good life. See sir, what I like about mango dolly in adult life is mango dolly trained us all for good cunnilingus in life. Yes. It's mental training. Yes. कि ढंग से चाटो तो कुछ अच्छा निकलेगा, हैंड में कुछ तो फीलिंग आएगी। Get every drop. Sir, are you noticing how I'm managing to ruin all food items for you? Sunday, one of those analogies is really much better than the other. Which one? The poop one. Zakir ka judgment face, beautiful. Yeah. Mango dolly is very nice. I know. Mango dolly is old school classic.
Yes, yes. Alka Yagnik of ice cream, if I may. I think the true Alka Yagnik of ice creams is one that doesn't even have any actual ice cream in it. It is a thing we used to call Chuski or Pepsi Cola. Yes! Which is Ross, you know what that frames you for? Guys, can we stick to food? Buddy, so depending on how you give the rim job. Okay. Is actually Jim Jam also does it. More like rim jam. Never mind. Last one. Oh my god. Aansu aa rahe aankhon mein. I have one problem with ice cream. Problem with stick wali ice cream is ki jab ice cream kam aati hai na, thoda gross looking aata hai. Jab aap aise karte ho na aur bas wo white sa aise reh jata hai stick ke upar. Haan. Thoda yahan pe lag jata hai. It's just slightly ugly to look at. That's all. And it's less shareable. Problem with biscuit wo nahi hai. Biscuit bahut shareable. Aap jo enjoyment share kar rahe ho wo sab log kar sakte. Ice cream thoda less shareable hota hai, thoda ajeeb lagta hai. किसी के मुंह से पूरा चीज तुम्हारे मुंह में जा रहा है वो ज्यादा हो गया. आई फील लाइक दैट इज द मार्कर गोइंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. जब आपको ऑप्शन मिलता है कप या कोन, एज एन एडल्ट यू नो व्हाट, कप इज बेटर. कप इज फाइन. दैट इज अ ट्रांजिशन. और मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप नहीं है कि करेक्ट बात ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि उसने मेरी बोतल से मुला आगे पानी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. रिलेशनशिप में तो नेक्स्ट स्टेप है, होता ही है. फीस्ट के पहले क्या था? नॉर्मल फीस्ट. चॉकोबार. पहले सिर्फ चॉकोबार होता था. चॉकोबार, या विच वॉज वन फक ऑल, जस्ट वन लेयर ऑफ चॉकलेट सराउंडेड बाय वनीला. यस, यू शुड लाइक फक यू. विच ऑल्सो वन सेकंड, कॉलिंग दैट थिंग अ लेयर ऑफ चॉकलेट, इट वॉज अ ब्राउन कंपस बॉक्स विथ वनीला. ओके, इट वॉज बार ऑफ चॉको बेसिकली. इट वॉज वनीला आइसक्रीम कैमियो बाय चॉकलेट. It's basically if you put wet chocolate on top of ice cream, it becomes the layer automatically. It just becomes automatically. वो जब McDonald's में softy आने लगी थी ना, तो softy के ऊपर वो लोग थोड़ा सा चॉकलेट डालते रहे, automatically बन जाता है वैसा वाला. चॉकोबार is by the way hit item in train journeys. चोकोबार बोल के आते हैं. And इतना amazing sales pitch. आप एक ही आइसक्रीम का नाम चार बार लो, that is enough to sell it. Like हमको भी चाहिए चॉकोबार. चोकोबार के बारे में हम लोग जो यहाँ नहीं कर रहे हैं कि उसने मतलब जो वैरायटी है ना उसको इंट्रोड्यूस किया, उसने चॉकलेट को कॉमन किया आपके बीच में, और एक उसमें वेनिला आइसक्रीम में क्रिस्प उसने दिया हमें. व्हिच इज ट्रू सर. एनीथिंग दैट इंट्रोड्यूस क्रिस्प इज ऑलवेज इज रिस्पेक्टेबल. उसमें प्रॉब्लम सबसे दुखद बात यह कि स्मार्ट आदमी वो जो चोको और वेनिला को आखिरी तक बचा पाए. करेक्ट. वरना वेनिला हक देता था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हां ना, पिघलना शुरू हो जाता आपका चोको जो है वो इधर-उधर बह रहा है. हां वो बहुत खराब सर. कभी-कभी आप आइसक्रीम खाना शुरू करते रहे और कभी-कभी चोको पहले खा लेते रहे, बहुत बुरा लगता रहा तभी. हां, आई यूज्ड टू फील वेरी बैड. आई यूज्ड टू फील लाइक यार वेनिला में मजा ही नहीं है बैच. नहीं नहीं नहीं, द की इज द इवन इन कॉर्नेटो एंड ऑल दिस थिंग. कॉर्नेटो में ऐसे है ना जो क्रिस्प पूरा अराउंड होता था, तो इजी होता था. थोड़ा क्रिस्प, थोड़ा आइसक्रीम. चॉकोबार में ये दिक्कत है, कभी कभी चॉको पहले खत्म होता था. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये चॉकोबार की वजह से ही है कि वेनिला को वेनिला कहा जाता है कि हाँ वेनिला. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ये लूजर पार्ट है. हाँ, ये लूजर पार्ट. हाँ, बोरिंग वाला. फीस आल्सो डिड दैट ना. फीस केम विद लाइक पीसेस एंड नट्स एंड यू सडनली लाइक क्रंच. करेक्ट. फीस वाज लाइक फीस. तो चॉकोबार इज द रियल ओजी. हाँ. And then Feast was introduced by Ambani. कि साला मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ. लाइक क्या लोगों को चॉकलेट पसंद है क्या? तो चॉकलेट ही है यार. ये पूरा चीज चॉकलेट.
सब कुछ क्रिस्पी है इसके अंदर, क्या चाहिए, हर प्रकार का चॉकलेट। और उसके अंदर सर, उस फीस के अंदर सर वो कॉर्नेटो वाला हिसाब भी था कि एक सबसे अंदर तो सिर्फ चंक केले, ले ले ठूस ले, बिल्कुल ये ले कड़क, बिल्कुल वो पूरा आपने आइस खाया, कुछ नहीं था ये तो पत्थर है भाई। तो फीस का वो हिसाब सर, आई रियलाइज की जो खाने में जो टेक्सचर होता है ना सर, वो क्रिस्प वाली बात आपने जो छेड़ी, आई एम कमिंग बैक टू दैट, इट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल जॉनर्स ऑफ ईटिंग। ओके या 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 सर, सेवरी में सर देखो चावल दाल के साथ पापड़ होना जरूरी, इट्स मेन इम्पोर्टेंट, दाल के बिना काम चला लूंगा सर, बट पापड़ एंड क्रिस्प इज इम्पोर्टेंट। आई मीन सब लोग करते टू सम एक्सटेंट, बट मैक्स मैंने पापड़ फेटिश करने का देखा है विद दाल चावल, इन लाइक प्लेट के ऊपर था बेसिकली, एक सेकंड वो क्रश कर रहा है, वो बेसिकली एक राइस पे एक पापड़ कॉर्नेटो बनाता है और फिर खाता है। कभी कभी ना दाल चावल में जब आप क्रिस्प डालते हो ना, और थोड़ी देर यू ईट इट ओवर अ लिटिल व्हाइल, कभी कभी वो क्रिस्प भी थोड़ा पिघल जाता है, देन इट बिकम्स दिस सेमी क्रिस्प। या इट्स न्यू आइडेंटिटी, इट्स न्यू, इट हैज सडनली ट्रांसफर्ड इनटू समथिंग एल्स। वो आपकी साउंड फिटिश भी आपकी पूरी कर रहा है, करेक्ट, वो आपकी टेस्ट फिटिश भी पूरी कर रहा है, करेक्ट। तो कभी कभी जब जब आप सेव भी डालते हो चावल पे, वो कभी कभी सेव वो दबने वाली सेव हो जाती है थोड़ी देर बाद, इट्स इट्स ब्यूटीफुल। ड्रिंकिंग में सर जब आप मैंगो मिल्क शेक पीते हो, इट इज सो मच नाइसर व्हेन देयर आर क्रिस्प मैंगो चंक्स इनसाइड द मैंगो मिल्क शेक। I can't believe you said drinking and went to mango milk. I got excited because I'm like, this is a topic of interest. mango milk shake. उसपे भी आएंगे हम लोग सर। And last was dessert. Dessert में भी crisp is very important. Think about all your favorite chocolates, right? Kit Kat, Twix, sir. Main OG, ये सबका main OG है. Crackle. किसी ने crackle खाया यहाँ पे? Yes. Crackle तो is again OG of crisp in chocolate. Yes, back, true. Back, but I just like to button and say there are two kinds of crisp in chocolate. There's biscuit crisp and there's nut crisp. I'm more of a fan of biscuit crisp than say rice or nut. Correct. Crisp and crunch. I think क्या हम इसमें gems को भी include करेंगे? Gems? हाँ, gems को 100% include कर सकते हैं क्योंकि outer shell तो crispy होता है. Outer shell crisp होता है. कुछ हद तक fruit and nut भी अच्छा ही था. Fruit and nut ने कोशिश की. पर उसमें वो क्रैकर वाली बात नहीं है। नहीं, वो किशमिश आके फक कर देता था यार। हाँ, किशमिश मुझे ऐसा लगता है उनको एलिमिनेट करना चाहिए फ्रूट एंड नट्स का। आई थिंक वोट आउट करना चाहिए काजू ऐसे करने को इस बार किशमिश को वोट आउट करना पसंद करूंगा फ्रेंड्स, बट दिस इज नेसेसरी, द स्वीटेस्ट एपिसोड ऑफ स्कल्स एंड रोजेस। या दोस्ती एक तरफ, दोस्ती एक तरफ और गेम एक तरफ। Okay, the next topic of discussion, जब हमने drinking की बात की, as Shaq's very rightly pointed, we're going to come to a genre of food. It is most exciting because it is only associated with good times. I'm talking about chakna. जो शराब पीने वाले हैं वो शराब के साथ चकना पीते, जो शराब नहीं पीने वाले हैं वो शाम को इसकी चकना के आजू बाजू में, basically चकना के आजू बाजू में हमेशा महफिल बिजी रहती है, which 100%. is a very positive thing about chakna. Right, 100%. Gentlemen, please tell me, आपका favorite chakna क्या है और कौन है? मेरे हिसाब से जो roasted जो काजू होते हैं. Roasted काजू. That was going to be my answer. Damn you. हाँ, मतलब एक तो क्या है कि काजू से ना एक अमीरी की feeling है. Correct. ठीक है. 100%. एक तो के साथ काजू खाए जा रहे हैं मतलब बड़ी बात है. ठीक है. हम बादाम वाले नहीं है भाई. Please. वो छिलके पिलका नहीं चाहिए. काजू की बात हो रही है. ठीक है. ऊपर से क्या है कि एक तो अमीरी पे भी किसी ने मेहनत कर दी. हाँ. उस पर मसाला डाला, रोस्ट भी किया है. माशाल्लाह, मतलब अमीरी मैक्स. करेक्ट. और वहां पे आपको बैठ के एक एक करके आप चटकाते जा रहे हो, है ना. बात में मजा नहीं भी आया तो आदमी काजू के चक्कर में टिका रहे. हरामजादा पीनट, आपको हरामजादा पीनट पता है सर, जिसके ऊपर देयर इज अ लेयर ऑफ फ्राइड मसाला, जिसको पॉपुलराइज किया गया हल्दीराम टेस्टी नट्स के थ्रू, बैटर फ्राइड पीनट, बैटर फ्राइड पीनट, आउटस्टैंडिंग, इट्स लाइक पीनट फिंगर्स, लाइक इट्स सो गुड।
उसमें सर खूबसूरती ये थी कि एक तो जो चार पीनट में भी पेट भरने वाला फील आता था, एक तो वो सही था, दूसरा सर पीनट खत्म भी हो जाए एंड में सिर्फ फ्राइड मसाला मिलता है आपको, which is also very delicious. आप खाने के साथ वो अभी मिले सब्जी बन जाए उत्ते से. Correct. I agree. I would like to go back to take this conversation full circle to versatility of Gau Mata. Cheeselings, guys. Cheeselings is so good chakna. As is very good. Cheeseling is very good chakna. I would just a criticism if there had to be one of cheeseling. Cheeselings थोड़ा अपनापन नहीं है cheeseling के साथ. थोड़ा ऐसा विदेशी वाला vibe नहीं आता cheeseling से. Perfect shape, ऐसा white. हाँ मतलब I don't know तो कौन सा gourmet cheeseling खाता, मेरा तो आधा पिता वो ही आता है मतलब जो white white perfect perfect. आप भी सर वो बार मेरा शायद बार वाला मेरा बार वाला experience होगा. It might work, but I feel like it gets too greasy inside your mouth, which doesn't happen with other equally greasy stuff. But again, काफी strong contenders stuff. You got roasted kaju, you've got cheeselings, you've got tasty nuts. Haramzada, Haldiram ke nuts. उसका नाम मतलब आप देखिए हल्दीराम नट्स वाली बात नहीं, टेस्टी मतलब उसका नाम ही टेस्टी नट, टेस्टी नट, कॉन्फिडेंस देखो सर, कॉन्फिडेंस, ये है टेस्टी नट, दिस आर नॉट योर एवरेज अनटेस्टी, इट्स नॉट ओवन अप टू यू टू डिसाइड, नॉलेज नहीं. अरे ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड सार्केज्म. ओके आई थिंक इन सबके बीच एक वर्दी टॉप कंटेंडर है लेज क्रीम एंड अनियन. इफ यू हैव इट विद डिप दैट्स ऑल्सो ग्रेट, बट अदरवाइज लेज क्रीम एंड अनियन चिप्स आउटस्टैंड. मैजिक मसाला इज ऑल्सो गुड एंड और रोस्टेड पीनट्स देयर अ क्लासिक, ऑल टाइम क्लासिक, मतलब वो अंकल वाली फील आती है रोस्टेड पीनट्स और व्हिस्की, मतलब तुम बैठ के अभी गजल. हां ऐसा लगता है कि क्लब में चले गए जहां सस्ती दारू मिलती है ना, 40 रुपए का एक पैक मिलता है, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में चले गए आप, वो फील आती है उसके अंदर कि यार रिटायर्ड लोग बैठे हैं. उसी फील पे अगर बात करें तो वो मसाला चना मिलता है ना तीखा वाला, यस वो कांदा वांदा के साथ जो मस्त होता है, ओहो ब्रदर ऑफ टेस्टी नट्स. इफ टेस्टी नट्स वेंट टू अब्रॉड फॉर स्टडीइंग, मसालेदार वेंट टू इंडिया ओनली इन यूनिवर्सिटी, बट वेंट एंड डिड अ वेरी वेरी बैड लाइक आईआईटी खड़गपुर एंड देन आईएमएम. अपॉर्चुनिटी की कमी थी पर इंटेंट मेहनत सेम, इंटेंट वाज डिसरप्टर है, एट हार्ट डिसरप्टर, यस और उसमें भी वो वाली फील है. अच्छा जो टेस्टी नट में नहीं है जो मसाला चना में, कि मसाला चना का जो है छिलका छिलका रह जाता है लोग, क्योंकि उस प्रोसेस में करेक्ट आखिर में एक बहुत सारा छिलका प्रोटीन और बहुत सारा मसाला, मेरी और प्याज की दुश्मनी जो है वो जग जाहिर है, आप लोगों को पता ही है. क्यों कि अगर रोटी पे अगर प्याज लग गया है तो मैं रोटी नहीं खा सकता. क्यों नहीं ना पसंद, एलर्जिक और डू यू जस्ट लाइक डोंट लाइक इट? आई जस्ट डोंट लाइक इट, इट्स इट स्मेल्स बैड, इट्स जस्ट वो सब खराब लगता है मुझे. इसकी मेरी मल्टीपल स्टोरीज हैं जिसमें मैं कभी कभी रिलीजन घुसा देता हूँ, कभी ट्रॉमा जो सामने वाले <जो चुछा। laughs> पर बेसिकली मुझे प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो बट आल्सो ज़ाकिर थैंक यू, आई हैव नेवर मेट अ जैन मुस्लिम बिफोर. मुस्लिम तो प्याज इतना ज्यादा ना पसंद, वो आदमी हूं मैं. और इस वो होता ना कि कोई ना कोई तो आता जो आपका गुरूर तोड़ता है, और वो है साफ क्रीम एंड अनियन क्रीम एंड अनियन. बहुत सटल क्रीम एंड अनियन इज लाइक, मतलब वो मतलब अगर आप परफ्यूम की तरह भी दे दो मुझे तो मुझे पसंद आ जाएगा वो. तो खाना तो सिर्फ बहाना है, मुझे तो बस चाहिए वो वो थोड़ा टेस्ट चाहिए. हां वो थोड़ा खट्टाश, थोड़ा कुछ तो है, कुछ तो है. पर जो सबसे घटिया लेज वो है आपकी टमाटो. सबसे घटिया लेज हैज टू बी क्लासिक सॉल्टेड. आई विल नॉट टेक एनीथिंग. टोमेटो, स्पेनिश टोमेटो टू गुड. आई एम अप्रूविंग. डोंट टोमेटो वर्क ग्रेट इन पेपी, फॉर सम रीजन इट डजंट वर्क ऑन लेज. पेपी टोमेटो इज आउटस्टैंडिंग. Before Pepe, before everything, there used to be किसी को सिम्बा चिपनिक्स याद है,
टोमेटो फ्लेवर जो मस्त होता था, एक लेमन फ्लेवर होता था येलो पैकेट और एक टोमेटो फ्लेवर रेड पैकेट. बिग फैन ऑफ पेपी. ओह ह्यूज फैन ऑफ पेपी. एनी टाइम. इट्स द राइट अमाउंट ऑफ क्रिस्प मीटिंग मसाला. आई रियली लाइक. मेरा मेमोरीज विद पेपी हैव ऑलवेज बीन स्कूल ट्रिप्स. कहीं पे भी आप जा रहे हो, यू वुड ऑलवेज गेट एनी दुकान पे छोटा वो ऐसा पैकेट लटका होता है पेपी का, वो कहीं पे भी मिलता था. Sir, I would like to nominate one chakna, which is, yes. I personally like it, but maybe not favorite of many people. Sir, it's little known chakna called chakli. Okay. Chakli is cool. Very good. Chakli is good. Yeah. But you can't have too much chakli. Then, मुंह में थोड़ी chakli वाली feeling आ जाती है. ज़्यादा वाला है chakli. Have you tried chakli with the Szechuan sauce? Yes, I have actually. Yes. भाई यहाँ कौन है जो दो पैक बाद चकना डीजे नहीं बन गया, सब करने वाला. चकली चकली इन ग्रीन चटनी, चकली इन चकना, Szechuan sauce, सब हो चुका है. इन एवरीथिंग चकली विद वो क्या मेयो. हाँ क्योंकि सर द थिंग विद चकली इज की क्रिस्प हमको मिल चुका है ऑलरेडी, ये तो कोर क्रिस्प है. जब कोर आपका क्रिस्प है उसके साथ आप कोई भी लिक्विड डाल दो, इट्स बेटर, इज ऑलरेडी डन. एग्जैक्टली, जीवन का सार क्रिस्प है. चकली इज द रियल चूरोस. मुझे एंड अगेन दिस इज नॉट जस्ट हेल्दी, इट्स द वन प्लेस वेयर सडनली हेल्दी अच्छा हो जाता है, वो कभी कभी चकना में वो कैरेट स्टिक्स या क्यूकम्बर स्टिक्स आ जाते हैं ना, उसके चाट मसाला के साथ. लाइक बिकॉज अगेन जोशी क्रिस्प. चकना वकना ये आपको मिलेगा आपके शेट्टी बार में, जो बेसिक रेस्टोरेंट आनी बार रेस्टोरेंट एंड बार वाले सिस्टम में मिलेगा. यू नो व्हाट एल्स इज एक्चुअली रियली गुड चकना, ये एक्चुअली घेटो पे सीखा. पॉपकॉर्न. यस पॉपकॉर्न. दारू के साथ पॉपकॉर्न. दारू के साथ पॉपकॉर्न. टू गुड. हैव यू हैड खट्टा मीठा? ऑफ कोर्स खट्टा मीठा आउटस्टैंडिंग. हल्दीराम जाकिर खट्टा मीठा. खट्टा मीठा मिक्सचर है सर. दिस इज मिक्सचर. यस मिक्सचर. यस मिक्सचर. बट मिक्सचर में ना ये मीठा वाला सिचुएशन आई एम नॉट अ फैन. आई डोंट नो सर. खट्टा मीठा इज नॉट मीठा सर, इट्स खट्टा आल्सो. या इट्स जस्ट अ मिक्सचर, यू नो. इट्स इन द नेम. ए ठीक है. अच्छा लेकिन इस जोन में, हल्दीराम के जोन में, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट आलू भुजिया? राइट अमाउंट दैट पुदीना ब्लास्ट. बिकॉज यस आशीष, इन माई ड्रिंकिंग एंड चकना टाइम आई एम नोन फॉर माई मॉडरेशन एंड माई केयरफुल मीटरिंग ऑफ कंज्यूम चकना. आम टेस्ट ट्यूब लेके सर. ये बात जो है मेरे बचपन पे जाएगी, ठीक है. मेरी पैदाइश इंदौर की है और एज इंदौर ही रिप्रेजेंटेटिव आपको एक कसम दी जाती है कि बेटा आप जब शहर से बाहर निकलेंगे आप सिर्फ सेव को प्रमोट करेंगे. तो आप किसी इंदौरी से आप जिंदगी में बात करें, 10 मिनट आप बात करें, bring up सेव. सर एवरी इंदौरी इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेव. यस यस. तो आपको पता है जो भुजिया होता है ना, कुछ कुछ नहीं होता भुजिया. भुजिया डजंट एग्जिस्ट. देयर इज नथिंग कॉल्ड भुजिया. इट इज पतली सेव. यस ओके श्योर. इट्स पतली. और अगर आपको उसको डिमीन करना है तो उसको बारीक बोल सकते हो. करेक्ट. सर हमें को एक सवाल है सर, इट्स अ साइंटिफिक टेक्निकल क्वेश्चन. तो कभी कभी सर वो सेव के पैकेट में ना कभी कभी एक ये भी आ जाता है, ये पता है क्या आपको? हाँ हाँ ऐसे एक लहर से. हाँ क्या बोलते हैं? सेव भुजिया. बेसिकली दैट लाइक ऑलमोस्ट लाइक दैट येलो गाठिया टाइप थिंग कम्स. नो लाइक हाँ इससे आप समझ गए हो क्या है? समझ गए सर. एक एक होता है, एक होता है ये, एक होता है आप इसको और मोटी सेव, बहुत मोटी सेव भी कह सकते हैं. अच्छा तो ये मोटी सेव है. हाँ ये मोटी. अच्छा ये मोटी सेव. बड़े पापा टाइप. बड़े पापा. तो
एवरीथिंग बेसन से बनी हुई तली हुई चीज सब कुछ सेम होती है. अच्छा समझ गया. हाँ. इसका कुछ और नाम ना दिया. सर आई हैव टू से सर आई एम बिग फैन ऑफ सेव मिक्सचर विच इज सेव प्लस मोटी सेव plus yes. little bit of if peanut type item is there in yes. mixture. Oh, yes. Yes. Big yes. fan. Yes. Big yes. fan yes. of these three things. Yes. Yes. चकने में और क्या आइटम है? एक मिनट हम देख सकते हैं गूगल गूगल को पूछते हैं क्या है. सर आई वुड लाइक टू शो यू चनाचोर गरम स्पेशलिटी. दिस इज चनाचोर गरम. वेरी ब्यूटीफुल. ओह ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल. सर मैंने गूगल पे बेस्ट चकना इन इंडिया सर्च किया है जिसपे ये सब फालतू के लिए सर अनियन रिंग्स वगैरह आ चुका है. दिस इज नॉनसेंस. इसे क्या कहते हैं ये वाले इसको ये सर गीला 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 पीनट चना चना मसाला हो गया ना ये तो. हाँ चना मसाला हो गया है गीला पीनट. तो एक चीज है जो हमने रिसेंटली डिस्कवर की है वो है एयर फ्राइड भिंडी. Oh, it is too good. Outstanding. Ah. Basically, super crisp bhindi coated in masala. It's like chips. Sir, you said crisp. I am already in for this. I am voting yes. It's literally yes. just an entire bhindi but fried. So you just eat it like chips. It's amazing. Ah, okay. It's outstanding. क्या राय जाकर कुछ बोलने होता तू? भिंडी सुन के ही मैं तो आउट हो गया था. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मी डोंट गेट अलोंग. ओके सर आई वुड लाइक टू नॉमिनेट सम सम चकना फॉर कैंसिलेशन. सर दिस चकना आर कैंसल. यस वन इज सर वो तूर दाल वाली नमकीन तूर दाल आपने खाई है. अग्री निकालो. इज इट कॉल्ड नमकीन तूर दाल? व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉल्ड लड पापले. और नहीं होना चाहिए हल्दीरा मूंग दाल. आई थिंक इट्स कॉल्ड मूंग दाल. ये मूंग दाल ये कैंसल है. नहीं चाहिए मुझे लाइफ में. कौन जो भी ये खाता है वो ये जो भी ये खाता है बहुत ही घटिया इंसान हो आप जो भी आप खा रहे हो. योर टेस्ट इन लाइफ नीड्स टू इंप्रूव. नॉट इन लाइक आप देख रहे हो ना कहां चना जोर गरम है और जहां पे मतलब टेस्टी नट्स है और उसमें क्या कर रहे हो आप. ये दारू के साथ नहीं ये सत्संग में आना चाहिए. नहीं नहीं सर एक जनरल थंब रूल ऑन मूंग दाल. जनरल थंब रूल जो भी चीज आपको ऐसे खाना होता है ना आपको फेंकना पड़ता है मुंह के अंदर. इट्स कैंसल. एग्जैक्टली. यू शुड नॉट ईट लाइक दिस. एक्सेप्ट चकना इज वन एट अ टाइम. एक्सेप्ट. यस यस यस. आई वाज गोना से द सेम थिंग. कैन यू एक्सपेक्ट आप शराबी आदमी से इतना हैंड आई कोऑर्डिनेशन करा रहे हो? टू मच ऑफ एफर्ट. यस एग्री. सर हम अगर इसकी ये चकने पे आए रहे तो सर लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर दिस एडिशन ऑफ आवर डिजिटल बैठक. यस सर आई वुड लाइक टू डिस्कस चिप्स. ठीक है हमने लेज को टच करके हम आगे गए. कुछ 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 चिप्स सर जो हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किए. लाइक सर फॉर मी दिस इज नॉट ओजी. इट इज नॉट ओजी चिप बट इन अ फ्यू इयर्स इट विल बिकम लेजेंड. फॉर मी इट इज कुरकुरे. आई एम मैसिव फैन ऑफ कुरकुरे. आई थिंक कुरकुरे में कुछ बात है. इट हैज एक्स फैक्टर. And I think कुरकुरे को मुंबई आना चाहिए. लेकिन कुरकुरे में कुरकुरे में में तकदीर की टोपी. लेकिन कुरकुरे में सिर्फ एक इश्यू है कि सेम है समझो अदर थिंग्स में अगर ज्यादा खाए तो मसाला कोटिंग ज्यादा हो जाता है हाथ पे और फिर वो एक प्रॉब्लम है. सर हाँ एक कुरकुरे में वो है कि ज्यादा खा लो तो थोड़ा ऐसा खुद से थोड़ी नफरत होने लगती है व्हिच आई अंडरस्टैंड. हां व्हिच इज दैट कुरकुरे बट ऑरेंज ओवर ग्रीन. Orange is better yes, than yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Also, also describing India. Green Kurkure is the addition. Green Kurkure. Green Kurkure baad mein. Green Kurkure, orange is Mario. Green Kurkure is Luigi. Luigi. If possible, always Mario. One more item in Kurkure, sir. Yellow Kurkure packet, have you seen, sir? ऐसे वाला आता है. Yes, yes. Will be very good addition. Is that the टेढ़ा है पर मेरा है वाला वही था क्या? No, no, sir. Overall कुरकुरे का overall motto in life is टेढ़ा है पर मेरा. टेढ़ा है पर. Okay. हाँ. कुरकुरे का सर पहला impression ही बहुत अच्छा था क्योंकि सर जूही चावला को देख लिया था ना हमने. In तो immediately I was like, wow, I already like this. अगर आपने जूही चावला को लाया तो I'm on board. और अगर आप कुरकुरे का पैकेट देखोगे उसपे जो कॉपी है आई डोंट नो व्हाई आई नो दिस बट आई नो दिस उसपे जो कॉपी है वो लोग स्टोरी लिखते हैं पूरा. फ्रॉम द स्पाइसेस ऑफ राजस्थान हैंड क्रश्ड बाय विमेन हु आल्सो सिंग सॉन्ग इन द इवनिंग. आई डोंट नो इट्स वन फकिंग थिंग. यू फील लाइक कि वो क्या क्या हुआ है एंड यू आर ईटिंग दिस एट 2 इन द नाइट लाइक सीइंग योर रिफ्लेक्शन इन द टीवी स्क्रीन लाइक एन एड. कुरकुरे का एक खूबसूरत बात यह है ना कि सर वन कुरकुर इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग. Yes, 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 true. Yes, that is true. Yes.
उसने मुझे एक नई टेक्निक सिखाई है टू हैव चिप्स, आई वुड जस्ट लाइक टू पास इट ऑन, ये मेरे लिए काफी अच्छी टेक्निक लगी मुझे. वो चिप्स उठाती है, एक चिप उठाती है और वो पूरे चिप को बस मुंह में मेल्ट होने के लिए रखती है कुछ देर के लिए, उससे सारा स्वाद आप निकल जाते हो और फिर वो चिप भी जो होता है ना उससे एक ऐसे वार्म्थ, एक पहचान जो होती है चिप के साथ, और वो थोड़ी प्यार से टूटती है, वो कंप्लीट क्रिस्प नहीं टूटती है, कड़क करके टूट जाती है. इट्स अ नाइस वे ऑफ ईटिंग चिप्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे. पर ये ना बड़े वो, मैं इसको मैं डिस तो नहीं करना चाहता उनको, ये बड़े अकेले बच्चों की प्रॉब्लम है. यहाँ जब आप तीन चार भाई बहनों के साथ आप पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा मुट्ठे में आने चाहिए. जल्दी जल्दी आप खाओ. यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन ग्रीडीनेस एंड इक्वालिटी. यस, आप ज्यादा ग्रीडी भी नहीं लग सकते पर आपको चाहिए आपका हिस्सा. यस, अगर वेट करोगे तो आपका चिप्स गया. फैमिली के साथ हंगर गेम वाला सिचुएशन होता है, यू कांट वेट. अगर पैकेज चिप्स पे वापस आ गए तो अगेन इफ आई कैन टेक अस इनटू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड टॉक अबाउट नॉन ब्रांडेड, देन आई वुड आल्सो लाइक टू मेक अ केस फॉर टू थिंग्स. बनाना चिप्स, बनाना चिप, यस, लेजेंड, लेजेंड, रिस्पेक्ट, एंड दोस टैपियोका चिप्स आल्सो. टैपियोका चिप्स इज व्हाट एग्जैक्टली? दोस, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पाइसी विद अ स्लाइटली डिफरेंट क्रंच वाला कंसिस्टेंसी. देखते हैं फोटो, ये वाला. मुझे लगता बड़ा डिसरिस्पेक्ट होगा अगर हम अंकल चिप्स को अगर नहीं मेंशन करें. अंकल चिप्स, अंकल चिप्स, अंकल चिप्स पापड़ी चाट फ्लेवर का तो लाइफ लॉन्ग. अंकल चिप्स आजकल ज्यादा दिखता नहीं, अंकल चिप्स, इट्स वेरी सैड. अंकल चिप्स वो होता है ना कि आप स्टोरी सुनते हो कि ओलंपिक विनर नाउ फाउंड ऑन ट्रेन स्टेशन, ऐसा वाला अंकल चिप्स का हिसाब है. वो वाइब है, इट्स अनफेयर, अनफेयर, क्योंकि शुरुआत शुरुआत इनसे हुई थी. अभी तो रिफाइन, ओके, अग्रीड. चिप्स सर, आई वुड लाइक, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक वन नॉमिनेशन. आई डोंट नो कि ये हॉल ऑफ फेम में जा सकता है कि नहीं, ओके, बट आई नो कि इस चिप ने कुछ अलग ट्राई किया और फॉर दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट. ओके, आई थिंक लिटिल हार्ट्स जो है, ये जो चिप बिस्किट बनने की कोशिश की लिटिल हार्ट्स ने, आई थिंक अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कुछ अलग कोशिश की. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल यू वर, वो कपल ने इतने उसकी मार दिए यूज कर करके कपल्स ने कि उसका उसका थोड़ा ब्रांडिंग खराब हो चुका है. बट लिटिल हार्ट्स व्हेन देयर, इट्स एंजॉयबल फॉर एज लॉन्ग एज इट्स देयर. मैं, मेरा ये मानना था कि उन्होंने थोड़ा सा, एक तो क्या हो कि बेसिक रूल्स जो है वो बिस्किट के ब्रेक किए पहले तो. बिस्किट क्या है आपका? बिस्किट वो असेंबली है, करेक्ट, एक पर लिटिल हार्ट्स क्योस की तरह है, करेक्ट. एक तो एक तो गलत आए गलत, ये फॉर्म फैक्टर गलत है, फॉर्म फैक्टर उनका गलत है. दूसरा, उसकी जो पोजीशनिंग थी, हम जिस उम्र में थे और उसकी जो पोजीशनिंग थी वो कपल वाली थी. हमारी उम्र कपल वाली थी नहीं, तो हमें लगा कि भाई वो पिच ही गलत था, वो टीनेजर्स और मिड टीनेजर्स को पिच किया था उन्होंने, तो हम क्या कर सकते हैं अभी 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 हम तो नहीं कर सकते. यू यू नेवर वांटेड मी, so yeah, I didn't want you back also. Yeah, back also. Correct. Sir, एक उन्हें हम नहीं चाहिए. Finish, finish, finish. हाँ, उन्हें हम नहीं चाहिए थे, फिर इसलिए हम भी, हमको भी वो नहीं चाहिए थे. Correct, correct. Sir, एक उस यही taking off from here, वो couple वाली बात जो आपने कहा ना, Shacks, मुझे लगता है कि because उन्होंने जब शुरुआत की little hearts की, उन्होंने एक couple sector demographic को target करने की कोशिश की. Correct, correct. अब आप एक second के लिए मेरे साथ एक thought experiment पे आओ. Imagine करो कि जो little hearts, आग बंद कीजिए please, please close your eyes. इमेजिन कि ये जो लिटिल हार्ट्स है वो हार्ट के शेप में नहीं, वो एक स्क्वायर शेप में, नॉर्मल, अलग नॉर्मल जो वेफर होते हैं, या फिर राउंड शेप में. अब कैसा लगता है अभी, क्योंकि मेरे हिसाब से आप खोल सकते हो आप. मेरे हिसाब से जब वो हार्ट शेप में बना ना, थोड़ा ट्राई हार्ड हो गया उसके अंदर, मुझे लगता है ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश करते हैं. चिप्स है, बिस्किट है, बहुत कोशिश करा क्यूट मत बन. तो आई फील लाइक उससे उसकी ब्रांडिंग थोड़ी रुइन हुई है. Do you think वो ब्रांड मैनेजर बैठ के रात को यही सोचता है कि यार ये शेप के चक्कर में हीरोगिरी कर दी, 14 साल के अलावा मैं क्या बेचूंगा अभी, बाकी महीनों में क्या करूंगा. I think it would work. I don't mind the taste. Yeah. But like Zakir said, वो connection बनाई नहीं, क्योंकि वो like, हाँ, बड़ा like I like little heart.
बट कभी चकना के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, चकना के पर्सपेक्टिव से नहीं, चकना के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा. इवन एज अ प्योर बिस्किट, मतलब बना ही नहीं कनेक्शन ना. लिटिल हार्ट हर तरीके में ट्राई हार्ड था, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड शेप, उधर ही आई एम लाइक ये तू, इट्स लाइक एंटरिंग पार्टी वेयरिंग सिल्वर, ओके इधर ही गलत. दूसरा उसने एक दूसरा वो बिस्किट चिप दोनों बनने की कोशिश कर रहा है, चिप के पैकेट में आ रहा है बिस्किट बनके. क्यों, किसको फूल कर रहा है तू? फूल नहीं कर रहा तू, मुझे समझ रहे तू कौन है. ओके तीसरा नहीं, लेकिन लेकिन तन्मय एक बात बताओ, तेरे इमोशन से लग रहा है कि एक टाइम था जब तू फूल हुआ था. उसके ऊपर एक्सेस, एक तो शुगर ग्लेज, उसके ऊपर शुगर ग्लेज. डोंट ट्राई टू बी नाइस. ये होता ना सीक्रेट सेंटर में कोई आके आईफोन गिफ्ट कर देता है हराम ज्यादा. And you're just like, तो ओवर कर रहा है अभी. लिटिल हार्ट के बारे में जो सबसे दुखद बात है वो उनकी फीलिंग ना वैसी वाली है कि लाइक जो राहुल रॉय टाइप्स पोटेंशियल था इसमें. हाँ मतलब कि वो अच्छा हो सकता था, और हो सकता था, और वो ना कि बट वी ऑल्सो डोंट मिस इट. पहले जब वो राहुल रॉय बोला लाइक लिटिल हार्ट बिस्किट रात को शेर बन जाती है. हाँ वही. हाँ नहीं, जब से राहुल रॉय शेर बन गया ना उसके बाद वो बात नहीं रही उसके अंदर. You know? ना हमने कह रही ये बंदे को वहां देख लिया अभी नॉर्मल नहीं है, अभी जब से खराब हो गया, टाइम हो गया. नो माय नॉमिनेशन ये अगेन पिछले आई थिंक 2 सालों में आया मार्केट में, बट बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर चिप्स चकना के जोन में इज केटल चिप्स. Have you tried it? Kettle chips. नहीं ये completely cancel है ये. कौन है? No. Open micer को headline करने बोल रही हो, चल क्या रहा है ये? नहीं. Kettle chips खाके देख, outstanding. उसमें एक flavor है jalapeno cheese. नहीं ये OG में नहीं आएगा. Shaxx, I vote against it. Rohan. No. In that case, I actually want to go all the way back to the basics for everything we've talked about. We have not talked about the simple, humble potato chip. गार्डन वाला लाइक योर बेसिक कैमी वेफर, कैमी वेफर, गार्डन कैमी, गार्डन बर्थडे पैकेट, पार्ले जी बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है. पार्ले जी का पार्टनर, पार्ले जी का, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है. वो नींबू मिर्ची डाल के थोड़ा मिक्स करके खाओ, थोड़ा कुछ भी. अरे टू गुड यार. सर देयर इज वन ब्रांड ऑफ चिप्स जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं जनता की राय क्या है. सर इट इज बिंगो मैड एंगल्स. बिंगो मैड एंगल्स एज चिप्स उसने बहुत कुछ बदला सर. एक तो वो सीधा आया कि तुम सब मरो, मैं ट्रायंगल, ओके फक यू, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू योर बुलशिट. ट्रायंगल पर मैं डोरिटो जैसा ट्रायंगल नहीं हूं, मैं देसी, मतलब जो मसाला जाता है ना, जो किचन में मसाला होता है ना, वो है मुझे 100% गरम मसाला ट्रायंगल. और तीसरा जब उसका एडवर्टाइजिंग कैंपेन आया था तो उसकी पोजीशन भी ये थी कि पागलों के लिए है, तो वैसा उसने डेमोग्राफिक भी लिटिल हार्ट जैसे गलती नहीं की. जिसको पसंद आएगा उसको पसंद आएगा, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको टारगेट किया, और स्वाद भी उसका ओ हो. बिंगो वाज द फ्लिपकार्ट टू द डोरिटोज अमेज़न. हां करेक्ट. यस आई लाइक इट. उसने अपना बनाया कुछ और ये बोला कि यही है ये ओरिजिनल है, अभी खा लो जल्दी से. एक बड़ा प्राइड हो रहा है सर. देखो चीटोज के पहले कुरकुरे आ गया, व्हिच आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ, और डोरिटोज के पहले मैड एंगल आ गया, व्हिच आई एम आल्सो लाइक भाई चुराया उनसे कांसेप्ट, पर क्या सही चुराया. पर अपना स्पेस में अपना स्पेस बना लिया. यस हां आई लाइक आई रिस्पेक्ट. मस्त बना दिया सर. अगर ऑल टाइम ग्रेट में सिर्फ एक ही विदेशी चिप्स अगर हमको डालना होता तो आई नो वॉट आई वुड नॉमिनेट सर. सर प्रिंगल्स जो भी कहो आप, प्रिंगल्स है बढ़िया चीज. प्रिंगल्स सा क्रीम एंड अनियन इज द गोल चिप. यस लाइक प्रिंगल्स सा क्रीम एंड अनियन इज द ओजी. बहुत मुझे लेट लाइफ में, क्योंकि जब से महंगा है बहुत तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते पहले, पर जब से सब कुछ सही चलने लगा है. एक तो ये क्या चिप है जो लिटरली हर एक चिप दूसरे चिप पे ऐसे इवनली रेस्ट हो रहा है. ये ओह मतलब ये तो कुछ अलग ही तरीका है. क्योंकि नहीं तो रफल्स वाले इस पे नॉर्मल चिप बैग में ऐसा लगता है किसी की बनती नहीं है एक दूसरे से. एक स्मॉल चिप रहेगा रफल्स में, लेज में, और एक फिर इतना मैट्रेस साइज. हाँ एक चिप रहेगा जो एक तो वो चिप के ऊपर जो ग्रूज बनी होती है ना. हाँ, हाँ, एक दो तीन हाँ, तो ऐसे लावारिस चिप टूटे हुए, एक साइड से राउंड है दूसरे साइड से स्ट्रेट है, ऐसा आ जाता है चिप. बुरा लगता है उनको देख के.
तो मेरे को मेरे साथ ये प्रॉब्लम है प्रिंगल्स की कि मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज नॉट टू ईट. जैसे क्यों क्या हुआ कि होटल्स में जब शुरू में रहने लगे तो या तो ऑफिस की तरफ से या किसी गेस्ट के इनवाइट पे या शोज में मतलब किसी अपने खुद से तो गए नहीं कभी तो आपको ये लर्निंग है कि वो जो जो भी फ्रिज में रखा है मत वो खाने का नहीं नहीं वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. प्रिंगल्स उस पैकेज का पार्ट है. सर उसमें एक दो प्रॉब्लम भी है प्रिंगल्स. एक तो ये प्रॉब्लम है, एक तो महंगा और बहुत टाइम तक इंट्रोडक्शन नहीं हुई हमारी. दूसरी एक प्रॉब्लम है जो रफल्स वाले लेज वाले पैकेट भी होता है उसमें तो लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, वो तो मोहल्ला है वहां पे, इसलिए गैप भी उतना रहता है ना. वो एयर वो हमको छुट्टियां बनाने का नहीं है, उतना जगह लगता है उनको लड़ने के लिए. प्रिंगल्स वाला वैसा नहीं है. इसमें प्रॉब्लम ये है द जॉय ऑफ चिप्स इज आपको पता नहीं चलना चाहिए कि कब खत्म हो गया. यू नो आई एम सेइंग, आप एंड का भी चूस लेते हो. प्रिंगल में प्रॉब्लम है कि जब भी आप खुलो दिख जाता है कि कितना बचा, बहुत क्लियरली लग जाता है, विच आई थिंक इज नॉट, इट्स टेक्स अवे फ्रॉम जॉय. और प्रिंगल्स एंड का जो पार्ट आता है ना उसको मतलब ये करना पड़ता है, which is very inelegant way of eating. It's a very nice white family man type of eating. Yes, which I have to say, only one brand has actually nailed that experience to like the next level, which is say what you want. Again, not OG, came late in life, but Doritos. Have you seen how deep their packets are? They're like those tall packets, right? बहुत बड़े होते. So you really have to like dig in together. That feel is great. And also, the flavor I'd like to nominate is the Thai sweet chili. That purple Doritos pack, it is too good. I have not had that. It's very good. I have a comment. Like Doritos for me represent US. Correct. Yes. It represents US. Ki faltu mein bada hai. Zabardasti kyunki bada hai. जरूरत नहीं थी. वो जो उनका बर्गर वाला हिसाब है ना कि जबरदस्ती नहीं खा रहा तो बोल जाते हैं तो है बड़ा. तो ये डोरिटोस का भी देयर आर टू वेरिएशंस राइट. कभी मैं मंगाता हूँ ना तो द गाइस लाइक सर डोरिटोस, आई एम लाइक हाँ भेजो, एंड देन ही हिमसेल्फ टेल्स मी एक्चुअली सर ये वो 750 रुपए वाला पैक है. आई एम लाइक नहीं, दैट्स अ बिट मच एक्चुअली सर. मैं आपका चूतिया काटने वाला था अभी, आई जस्ट थॉट आई शुड चेक. बट देन यू द इंडियन वन, या दैट्स दैट्स चीपर. चलो ऑन दैट नोट जेंटलमैन, बहुत मजा आया. क्या बात है, बहुत मजा आया, बहुत एपिक, बहुत एपिक फन. और बहुत भूख भी लगी है अभी, बहुत भूख लगी है. यस, उसी बहाने खाने चलते. यस सर, सी यू बेबीज नेक्स्ट टाइम.